यहाँ पे क्या था कि एक्सेलरेशन की बात चल रही थी हमारी। एक्स ए इज इक्वल टू वी माइनस यू होगा ना। v माइनस यू बाय टी, राइट। और दूसरा फॉर्मूला था v बाय टी। v क्या था? वेलोसिटी, हाँ और टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम। बट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला था वी वी माइनस यू इनिशियल पॉइंट। ये, टाइम यहाँ पे आ गया और इसका फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए, ये टाइम यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट को किसे दिखाते हैं हम? मीटर में। और टाइम को किसे मेजर करते हैं? सेकंड में। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम एस माइनस टू, या एम एस रेस टू माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी? यूनिट। यूनिट हो गई। अच्छा, आप ये बताओ, एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर वेक्टर है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि किसमें से बना हुआ है? ये वेलोसिटी से बना हुआ है। और वेलोसिटी हम जानते हैं, वेलोसिटी के अंदर क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट, शॉर्टकट में डायरेक्शन चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर, ठीक वेक्टर है। ये बात समझ में आ गई है? ओके, अब सेकंड देखते हैं। यहाँ पे दो तरह की बातें करेंगे अभी हम। पहले डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में टाइम और डिस्टेंस। यहाँ पे भी टाइम और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ठीक है। यहाँ पे टाइम कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। अब टाइम तो हर एक के लिए इक्वली रहता है, ठीक है। टाइम हर एक के लिए कैसा रहता है? इक्वल। इक्वल। यहाँ पे डिस्टेंस भी कैसा होगा? इक्वल। बट यहाँ पे डिस्टेंस नॉट इक्वल हो जाएगा। अनइक्वल। हाँ, नॉट इक्वल या अनइक्वल, ठीक है। अब डेफिनेशन कैसे लिखनी है? अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पे क्या लिखोगे? बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या है, समझते हैं हम इसको। पहले चलो मानते हैं,
कि कोई गाड़ी है, कार है, वो पहले पांच, ये टाइम और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस और ये क्या हुआ कि कोई कार है वो पहले 5 मिनट में पहले 5 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती, पहले 5 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर वापस 5 मिनट में उसने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, वापस 5 मिनट के अंदर 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 5 मिनट के अंदर उसने 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ, 100 हुआ, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ, 100 हुआ, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ, 100 हुआ, मतलब हर 5 मिनट में 100 मीटर डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, हर 5 मिनट में 100 मीटर, देख सकते हो ग्राफ से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, पहले 5 मिनट पे 100 मीटर पे थे, फिर 10 मिनट पे हम 200 मीटर पे आ गए, 15 मिनट पे 300 मीटर पे आ गए, 20 मिनट पे 400 मीटर पे आ गए, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हर 5 मिनट में 100-100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम बोलना सही नहीं रहेगा, हम टाइम पीरियड बोलेंगे, इक्वल टाइम पीरियड इन इक्वल डिस्टेंस, या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है, टाइम नहीं बोलेंगे यहाँ पे। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं हम तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो एक सीधा ग्राफ आ रहा है, देखो इस तरीके से, ठीक है, मैंने थोड़ा रफ बनाया है, वैसे ग्राफ कैसा आएगा, एकदम सीधा ग्राफ आएगा इस तरीके से, और इसमें देखो लीनियर ये जो ग्राफ देखा आपने वो ग्राफ कैसा आ रहा है, सीधा आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। और ये लीनियर ग्राफ क्या दिखाता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें देखें, चलो मान लिया कि पहली 5 मिनट में ये 100 मीटर पे पहुंचा, फिर थोड़ा रास्ता अच्छा आया, ट्रैफिक नहीं मिला, तो दूसरी 5 मिनट पे ये कहाँ के चले गए, 300 मीटर पे चले गए, फिर वापस 5 मिनट में कितना हुआ, 50 मीटर पे गए, और वापस 20 मिनट पे कहाँ पहुँच गए, सीधा 500 मीटर पे पहुँच गए। कभी कभी गाड़ी को तेज चलाई, कभी कभी गाड़ी को स्लो चलाई है। तो अगर इसका ग्राफ बनाने जाएं कैसे जा रहा है ग्राफ, इस तरीके से, तो ये कैसा ग्राफ है, नॉन लीनियर। जब भी कोई नॉन लीनियर ग्राफ आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? यस सर, एग्जाम्पल दे सकते हो यूनिफॉर्म मोशन का? जो बिल्कुल टाइम से चले, सन रोटेशन ऑफ अर्थ, बाइक आएगा? बाइक नहीं आएगा, बाइक नहीं आएगा। बाइक को जब स्पीड रास्ता अच्छा मिला तो हम क्या करते हैं, स्पीड में चलाते हैं, फिर धीरे धीरे ट्रैफिक आया तो उसको स्पीड कम कर देते हैं, तो वो बाइक का नहीं आएगा। ट्रेन आप देख सकते हो, हमारे इंडिया में कई ऐसी ट्रेन है जो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट टाइम पे चलती है। कभी कभी तो उनका आने का और जाने का टाइम इतना फिक्स होता है, जैसे आपका जम्मू तवी ट्रेन हो गया, फिर वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया। ये ट्रेन कैसी होती है कि उनका टाइमिंग होता है कि 12:15 या 12:17, तो वो आपको 12:17 पे प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा, ठीक है। और उनका जो डिपार्चर टाइम रहता है, जैसे 12:23, तो अगर आप 25 मिनट पे प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वो ट्रेन आपको नहीं मिलेगी, जस्ट दो मिनट पहले वो ट्रेन निकल जाती है। ये इतने टाइम के एकदम एक्यूरेट होते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम रहती है, बट जनरली 90% केसेस में ट्रेन है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे चलती है। और इसमें भी रोटेशन ऑफ अर्थ है, वो कैसा है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज क्या हुआ कि अर्थ है वो थोड़ा स्लो घूम रहा है तो आज का दिन लंबा होगा और कल थोड़ा दिन छोटा होगा, ऐसा कभी सुना है? नहीं, कभी हम ऐसा नहीं सुनते हैं या सुनने में अभी तक नहीं आया है। अर्थ है वो 24 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर ही लेती है। हाँ ठीक है, मतलब वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो ही जाता है उसका। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, रोटेशन ऑफ अर्थ। सनराइज देखो, चलो सनराइज का एग्जांपल ना लें क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही हो जाएगा। सनराइज कभी कभी आगे पीछे होता है, बट रोटेशन ऑफ अर्थ देखो आप, सीजन के हिसाब से देखो या कुछ भी हो, डे नाइट का टाइम देखो आप, कभी ऐसा हुआ है कि दोपहर में दो बजकर सनराइज होता है? कभी नहीं होता। मॉर्निंग में और इवनिंग में जो जिस तरीके से चलता है उस तरीके से होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो सन की जो मूवमेंट है वो कैसी है, सॉरी अर्थ की जो मूवमेंट है वो कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है, फिक्स है। और अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म की तो क्या हो जाएगा? बाइक समझ लो आप, कार साइकिल, ठीक है, ऑटो रिक्शा बेस्ट एग्जांपल इसका। चलिए इसका ग्राफ कैसा आता है? नॉन लीनियर नॉन यूनिफॉर्म। और इसका आ जाएगा नॉन लीनियर। ये हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस का हो या डिसीजन का हो। अभी हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन।
इसका भी एग्जांपल अर्थ रोटेट अराउंड द सन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर स्पीड की बात करें तो सर्कुलर स्पीड क्या हो जाएगी, सर्कुलर पाथ या सर्कुलर डिस्टेंस बाय टाइम। सर्कुलर स्पीड इज इक्वल टू सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr डिवाइड बाय और टाइम का टी। तो ये फॉर्मूला बन गया। और सर्कुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, सर्कुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसको हम काउंट करेंगे नहीं। अच्छा, सर्कुलर एक्सेलरेशन बोला जाए तो सर्कुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सर्कुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो सर्कुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सर्कुलर वेलोसिटी जीरो है इसलिए। बिल्कुल सही। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि समझ में आए। Satellite moving around the Earth having distance from the center of Earth is 7,000 km in one day and its circular speed. That is a distance kilometer में रहने दे और one day को hour में convert कर। क्या find करना है? Circular speed and circular velocity. यहाँ पे आर कुछ दिया हुआ है, सैटेलाइट कैसे कैसे घूमती एक बार देख लेते हैं। सर हाँ
भी दिया हूँ डिस्टेंस सर, ये कितना है 7000। हाँ बोलो दिग्विजय, आवाज नहीं आ रही है। दिग्विजय आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है अभी? बहुत स्लो अभी आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज तो क्लियर है पर बहुत कम है आवाज। एक मिनट, इनपुट लेवल वॉल्यूम, अभी आवाज बराबर आ रही है? अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। अब कैसे आवाज आ रही है? अब कैसे आवाज आ रही है? अब कैसे आवाज आ रही है? ओके फाइन है। अब आ रही है, अब आ रही है, बराबर है ना? हाँ ठीक है। ओके, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 7000 किलोमीटर। यहाँ पे ये मतलब इसको अगर थोड़ा ठीक से बनाए हम तो ये ऐसे हो गया, ये हमारा अर्थ हुआ और यहाँ पे सैटेलाइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 7000 किलोमीटर। मतलब ये क्या हुआ, रेडियस हो गई? ओके रेडियस दिया हुआ है, क्या करेंगे अभी? सर्कुलर स्पीड इज इक्वल टू 2π बाय टाइम। सर्कुलर स्पीड इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू 7000। टाइम कितना है हमारा? वन डे मतलब 24 आवर। 12 से कट कर दिया, कितना आंसर आएगा फाइनली? 11000 और यहाँ पे क्या बच रहा है नीचे? 6 बच रहा है, अभी भी कट कर सकते हैं हम। किलोमीटर पर आवर, एक आवर में इतना सैटेलाइट क्या करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा। इसको थोड़ा और भी क्लियर कर लेते हैं। थ्री एट जा 24, वन आया 0, 3 3 जा 9। कितना फाइनल आंसर आया? 183.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आएगा? 183.3 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? एक आवर में सैटेलाइट इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सिंपल एग्जांपल था। वेलोसिटी तो जीरो ही, वेलोसिटी तो जीरो ही। हाँ वेलोसिटी जीरो रहेगी। अच्छा अभी कॉल क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा लैपटॉप में आज मीटिंग ही कनेक्ट नहीं हो रहा, आज मीटिंग ही कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा वो कभी भी प्रॉब्लम आता है नेटवर्क इशू का, कल जैसे मेरे पास सेम ऐसा हो रहा था, कल मैं फोन से मीटिंग कनेक्ट कर पा रहा था बट डेस्कटॉप से नहीं हो पा रहा था। हाँ नेटवर्क की वजह से आता होता है, नेटवर्क की वजह से आता होता है। हाँ
एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पहले तो वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। पहले तो वेलोसिटी फाइंड करनी। बिल्कुल सही। या वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी नहीं है सर। वेलोसिटी नहीं है सर। चेक करो। ये तो स्पीड है ना पर। ये तो स्पीड है ना पर। हाँ दोनों का यूनिट सेम ही है। गाड़ी स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है गाड़ी की? फोर्टी किलोमीटर पर है। फोर्टी किलोमीटर पर है। और अभी कितनी स्पीड गाड़ी चल रही है? हंड्रेड। हंड्रेड मतलब इनिशियल स्पीड है हमारी। हाँ हाँ तो सर फाइनल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइड बाय टाइम। इनिशियल पॉइंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कोई था फार्मूला एक्सेलरेशन फाइंड करने का? हां ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ऑफ इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाय टी। डिवाइड बाय टी। V is equal to 100 minus 40 divided by T. यहाँ पे 2 हॉर को सेकंड में चेंज करने की जरूरत है? नहीं नहीं क्योंकि स्पीड हमारी हॉर में दी हुई है 60 by 30। ठीक है 60 by 30। क्या लिखूं यहाँ पे? 30 मीटर पर सेकंड। मीटर पर एमएस माइनस क्योंकि अभी अभी देखा था हमने इसकी यूनिट एमएस माइनस 2। एमएस माइनस 2। ठीक है तो क्या आया फाइनल आंसर? 30 एमएस माइनस 2। 30 एमएस माइनस 2। ओके अभी हम स्टार्ट करेंगे। आखिरी 5 मिनट है बट 5 मिनट टॉपिक और हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम ग्राफ ले लेते हैं, और ये ग्राफ है ना तीनों इक्वेशन में सेम टू सेम रहेगा। ये ग्राफ तीनों इक्वेशन में कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना मैं कौन सी चीज़ कहाँ पे ले रहा हूँ। चलो अभी थोड़ा ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है। ये वाला ग्राफ अभी डिस्कस किया हमने, कौन सा ग्राफ है ये? लीनियर, यूनिफॉर्म मोशन लीनियर। देखो टाइम जा रहा है, बट कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, टाइम जा रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा। जैसे अभी देखो टाइम जा रहा है हमारा, मीटिंग ख़त्म होने आई है, बट तुम अपनी जगह जगह पे ही बैठे हो, तुम कहीं पे हिल रहे हो क्या? नहीं, कहीं डिस्टेंस कवर कर रहे हो नहीं। तुम इसका मतलब तुम कैसी कौन सी कंडीशन में हो अभी? रेस्ट, रेस्ट में। ये ग्राफ किसका है? रेस्ट मोड, रेस्ट मोड। ये 5 मीटर पे था, पहले 5 मिनट में 5 मीटर पे, दूसरे 10 मिनट पे 5 मीटर पे, 15 मिनट में भी 5 मीटर पे, 30 मिनट होने के बाद भी तुम कौन सी पोजीशन पे हो? 5 मीटर पे ही हो। तुमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तुमने कहीं पे मूवमेंट नहीं किया। देखो 5 मीटर 5 मीटर 10 मीटर 15 मिनट पे भी 30 मिनट पे भी तुम किस में हो? 5 मीटर पे ही हो, मतलब तुम अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हो, तुम रेस्ट में हो। तो समझ जाना ये वाला ग्राफ कैसा होता है, रेस्ट में हो। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो, पहले ए से ओ से ए में क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। फिर ए से बी में? रेस्ट, रेस्ट। मतलब गाड़ी चली फिर कहीं पे खाने के लिए रुक गए। ये कौन सा ग्राफ हुआ? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं 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 यूनिफॉर्म।
रिटार्डेशन रिटार्डेशन डिस्टेंस तो टाइम तो बढ़ रहा है आगे बट हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं कम कवर कर रहे हैं देखो नीचे आ रहे हैं ठीक है रिवर्स वाली प्रोसेस हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं पीछे आ रहे हैं पास ठीक है रिवर्स हुआ रिटार्डेशन हुआ इसको क्या बोलोगे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इसको रिटार्डेशन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है टाइम भी आगे जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे जा रहा है हम लोग भी आगे जा रहे हैं देखो ऐसे और इसमें क्या हुआ पहले 5 मिनट पे यहाँ पे थे ए पॉइंट पे थे फिर 10 मिनट पे बी पॉइंट पे आ गए फिर 15 मिनट पे सी पॉइंट पे आ गए 20 मिनट पे डी पॉइंट पे आ गए मतलब देखो ए वाला डिस्टेंस कितना था 100 था 50 हो गया 30 हो गया 10 हो गया मतलब टाइम तो बढ़ा बट हमारा डिस्टेंस कम हुआ ठीक है मतलब ये क्या हुआ रिटार्डेशन हुआ समझ में आया तो रिवर्स रिटार्डेशन होगा तो अभी हमने कौन कौन हाँ रिवर्स में रिटार्डेशन आप रिवर्स करते हो मतलब गाड़ी को उल्टा चलाते हो तो हम क्या करते हैं रिवर्स गियर डालते हैं उसमें क्या हो गाड़ी आपकी रिवर्स में चलती है टाइम तो बढ़ता ही है बट हमारा जो डिस्टेंस है वो आगे जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता है पीछे आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा हम नेगेटिव में जाएंगे कम हुआ डिस्टेंस ठीक है तो ये हुआ रिटार्डेशन तो अभी हमने कौन कौन से ग्राफ देखे लीनियर नॉन लीनियर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और रिटार्डेशन ठीक है ग्राफ के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम बचा तो थर्ड इक्वेशन मोशन भी करेंगे ठीक है चलिए फिर आज के दिन के लिए इतना ही